अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाई, कैसे हो आप सब? खैर खैरियत में? आपकी मेज़बान मारफा नवाज़ अहमद आप सभी को वेलकम करती हूँ अपने एक नए वीडियो में। भाई ईद मिलादुन नबी आने वाला है और ऐसे में हम मुसलमानों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल है, तो मैं जा रही हूँ न्यू मार्केट को शॉपिंग करने के लिए। चले चलते हैं और करते हैं ख़रीदारी और आप लोगों को दिखाते हैं मार्केट का नज़ारा। आइए फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग न्यू मार्केट आ गए हैं और ये देखिए एलिट सिनेमा टूट कर अभी बन रहा है, पता नहीं क्या बनेगा, देखते हैं। न्यू मार्केट इलाका भाई फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग खरीदेंगे दस्तरखान। दो बड़े दस्तरखान हम लोग लेंगे। दोनों का ही डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा, तो एक वो और एक ये फाइनल होता है। इसके अलावा दो स्मॉल वाला दस्तरखान भी लेंगे। ये वाला भी अच्छा है और वो वाला भी अच्छा है, दोनों ही अच्छा दोनों। टोटल चार दस्तरखान लेने के बाद आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब लग रहा है कि हाँ ईद मिलादुन नबी की शॉपिंग करने आए हैं। फ्रेंड्स, ये जो सारे आप लोग फुटवेयर देख रहे हो ना, ये 150 रुपीज़ का आपको मिलेगा और इसमें कलर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप न्यूट्रल कलर लेना चाहो तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। आइए 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 आइए, 150 150। ठीक है, छोटा दे, छोटा दीजिए, टाइट रहेगा, नहीं होगा उससे, छोटा दीजिए। आपका पीच आएगा और ये ग्रीन आएगा, और ब्लैक ब्लैक बड़ा साइज का हिल में, देखिए ब्लैक जरा है बड़ा साइज। भाई फ्रेंड्स, आगे बढ़ी ना तो मेरी नज़र पड़ी इस वाले जगह पर जहाँ बैग्स जो है ना वो पूरे सेल में लगा हुआ है, और ये वाला बैग मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी किया क्योंकि ये बैग लगभग मुझे मेरे जैसा ही लगा, लेकिन जब हाथ में उठाया तो पता लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड मटेरियल वाला बैग है और मेरा जो बैग है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। ऑफकोर्स प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस भी है। सेल में लगा हुआ है ये सारा बैग, तो चले अभी रख देते हैं क्योंकि मैं तो आप लोगों को दिखाने के लिए उठा रही थी। और अभी हम लोग आ गए हैं रुमाल की दुकान में क्योंकि हम लोगों ने अपना रुमाल का दुकान सोचा है खोलने का। मजाक कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी मार्केट आना हो रहा है ना तब रुमाल जरूर खरीदना हो रहा है। गर्मी ही इतनी पड़ रही है कोलकाता में कि विदाउट रुमाल तो कहीं निकलना भर का नहीं हो रहा है। बच्चों के लिए फ्रेंड्स, हम लोग शॉपिंग करने आए हैं तो जो जो शॉपिंग कर रहे हैं वो सारी चीजें आप लोगों के साथ वन बाय वन करके शेयर कर रहे हैं। बढ़िया, हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए। गर्मी इतना है कोलकाता में, विदाउट रुमाल का गुजारा नहीं।
भाई फ्रेंड्स, ये वाला जो बैग का आप शॉप देख रहे हो ना न्यू मार्केट में, बहुत पुराना है। मैं तो बचपन से देख रही हूँ लेकिन खरीदारी मैंने यहाँ से कभी भी नहीं की। ये डिजाइन आपके जो है सामने है, भाई फ्रेंड्स 200 रुपीस से ना न्यू मार्केट में बैग मिलना शुरू हो जाता है। और वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको कैसा क्वालिटी का चाहिए। जैसा आपको क्वालिटी वाला बैग चाहिए वैसे ही बैग्स का जो प्राइस है वो आगे बढ़ता रहेगा। गर्मा गर्म पकौड़े मिल रहे हैं और यहाँ पर भाई साहब फ्रॉक लेकर खड़े हैं। बैग्स के शॉप काफ़ी ज़्यादा अंदर की तरफ कर दिए गए हैं। तो भाई फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना स्मॉल वॉलेट जो है वो 100 और जो मेरे हाथ में है वो 150 रुपीज। ऐसे ही छोटा तो है तो ये भी अच्छा लग रहा है। ये वाला दिख रहा है ब्लैक वाला, ये देखो क्रेजी कैट भी, इसमें भी कलर होगा भाई। This one is looking more nice. No, no. इसका भी कलर दिखा दीजिएगा भाई, जो तभी यहाँ पे इसका ये कलर बहुत कलर आर लुकिंग ग्रेट। ब्लैक से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा मतलब ऐसे ही टाइप का। इसका क्या दाम है? 300 का। 300 का है तो यही कलर है। हाँ ये लेना। तो भाई फ्रेंड्स, ये वाला हम लोगों ने कर लिया है फाइनल। भैया ने 250 रुपीज़ में ये वाला दे दिया, 50 रुपीज़ सिर्फ ही कम किया है। भाई फ्रेंड्स, वो वॉलेट हम लोगों ने ख़रीद लिया है। तप्पी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मैंने तप्पी को चैलेंज किया अभी अभी कि वैसा वाला वॉलेट कहीं अभी तुमको न्यू मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको मैंने पसंद किया है और थोड़ा पैसा तुम्हारा ज़्यादा लगा है लेकिन यू विल नॉट रिग्रेट अबाउट इट। ओ माय गॉड, लटकन झटकन भी मिल रहा है। क्या कशद एक गंडार टाइप ड्रेस, नाइट ड्रेस को पहन के दिन भर रहो और चिप्स बिस्किट लेने लेन तक चले जाओ। बाबू सोना चले गया करोना, इधर आओ। हाँ बैंक वाला बाबू सोना चले गया करोना। चलो 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 आये 400 400। आये 400 400। इधर ही तो रास्ता था कैसे ये क्या आप अपने लिए रख रही हैं? नहीं तेरे लिए। चलिए अच्छा है, कोई सभी ले लो। 100 कॉइन्स रख लेंगे। 100। भाई फ्रेंड्स, अगर जेन्युइनली आप लोगों को बताऊं ना तो न्यू मार्केट में जितने अच्छे ट्रेंडी बैग्स पहले मुझे नज़र आ रहे थे ना, उसके मुकाबले आज में एकदम कम नज़र आ रहे हैं। ये एक अकेला वाहिद ऐसा स्टॉल मुझे मिला है न्यू मार्केट के स्ट्रीट शॉप में जहां पर थोड़े बहुत अच्छे बैग्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये जितने भी बैग्स मैं आप लोगों को उठा उठा कर दिखा रही हूँ, किसी का प्राइस 650 है, कोई 850 रुपीज़ है, लेने से थोड़ा बहुत बार्गेनिंग हो जाएगा लेकिन किसी का भी कलर अवेलेबल नहीं है। जो भी उठा रही हूँ वो एक ही पीस है, इसका भी कलर नहीं है अवेलेबल। तो भाई फ्रेंड्स, ये जितने भी आप लोग कॉर्ड सेट देख रहे हो ना कुर्ता एंड पैंट का, ये आपको 350 रुपीज़ में मिल जाएगा। प्राइस फिक्स है, कोई बार्गेनिंग नहीं होगा। अच्छा भी नहीं लग रहा है। ग्रीन उठा के दिखाइए ना। ग्रीन अच्छा नहीं है वीडियो के लिए। जो रफ वेयर के लिए लेना चाहते हैं डेफिनेटली वो लोग ले सकते हैं यहाँ पे, मटेरियल भी ठीक ठाक है।
ये जितने भी आप लोग लॉन्ग फ्रॉक लॉन्ग गाउन क्या देख रहे हो, सबका प्राइस डिफरेंट है। कोई 650 का है, कोई 750 का है, कोई 850 का है। यहाँ पर आपको बहुत सारे इंडियन वेयर कलेक्शन मिल जाएंगे स्ट्रीट शॉप में ही। काफी ज्यादा पुराना स्टॉल है न्यू मार्केट में ये वाला। अंदर की तरफ जाओगे तो आपको और भी बहुत सारे कलेक्शन मिलेंगे, जैसे कि ये 900 रुपीज इसका प्राइस बताया है। कलेक्शन मुझे कोई खास खूब एक अच्छा नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, जो कुछ भी आपके सामने है। हो सकता है कि अभी आने वाले वक्त में और ज्यादा बेहतरीन कलेक्शन आए। जो कुछ भी आप लोग देख रहे हो सामने है। बाहर का कलेक्शन हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया, हमें बाहर कुछ समझ नहीं आया। अभी फ़िलहाल हम लोग चलेंगे ट्रेजर आइलैंड के अंदर और देखते हैं, अगर वहाँ से कुछ समझ आता है तो ख़रीदारी करते हैं क्या कशा के लिए। ट्रेजर आइलैंड के अंदर वीडियो बनाना इज़ नॉट अलाउड, इसलिए हम लोगों ने यहाँ का वीडियो बहुत कम बनाया है। वैसे हम लोगों ने एक सूट ले लिया है, अगर वक्त मिलता है तो घर चलकर दिखाएंगे, अदरवाइज कैकेशा पहनेगी तो बाद में आप लोग देख ही लोगे। फ्रेंड्स फाइनली हमारा काम हो गया है ट्रेजर आइलैंड से, अभी चलिए निकलते हैं ट्रेजर आइलैंड से बाहर। ट्रेजर आइलैंड से बाहर निकलने के बाद मुझे एक बैंगल्स का शॉप नज़र आ गया, मतलब कि एक स्टॉल नज़र आ गया, और मुझे वो कहावत भी याद आ गई, मतलब टीवी में जो एडवर्टीजमेंट देता है मैन विल ऑलवेज बी मैन, तो भाई लेडीज़ विल ऑलवेज बी लेडीज़। क्योंकि जितना बैंगल्स का होता है ना कलेक्शन उन लोगों के पास, लेकिन बैंगल्स का स्टॉल देख कर वो रुकी जाती है और कुछ ना कुछ ख़रीदारी कर ही लेती हैं। तो ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बाकी सारी के साथ हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ से क्या परचेज़ करते हैं। इस रेशमी बैंगल्स के झनकार के सदके भाई फ्रेंड्स, न्यू मार्केट मतलब कि कोलकाता का सबसे ज़्यादा पुराना मार्केट SS हॉग मार्केट न्यू मार्केट के अंदर अभी हम लोग आए हुए हैं। वही कन्फ्यूजन जारी है। फाइनली अच्छे खासे जद्दोजहद के बाद हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन। तप्पी को सूट लेना था यहीं से और यहाँ का भी वीडियो नॉट अलाउड था, इसलिए नहीं दिखा पाया आप लोगों को। मार्केट से हम लोग निकल गए, हमारा काम हो गया और हालत देखिए पसीने से, ये मार्केट ऐसे ही है, पसीना पसीना हो जाता है आदमी। सिटी मार्ट ट्रेंड्स के ठीक अपोजिट में ये वाला एक स्टॉल है। ये जितने भी स्टॉल्स आप लोग देख रहे हैं सब 50 का है ऊपर और नीचे सारे 100 का, ये सारे 50 वाला है, ये देखें ठीक है, ये सारे ही 50 वाला है ठीक है, और नीचे जितना है ये देखें ये सारे ही 100 वाला है ठीक है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स सिटी मार्ट के पास में जो ये फुचका है ऐसा लग रहा है कि फ्री में बट रहा है। फ्रेंड्स मैं बाहर निकल लूँ और फुचका ना खाऊँ ऐसा नहीं होगा, तो चलिए न्यू मार्केट का फुचका टेस्ट करते आइए। मैं चाहूँ तो आज आप लोगों को फिर से एक बार श्रीराम मार्केट का वीडियो दिखा सकती हूँ, लेकिन श्रीराम मार्केट का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर बना हुआ है। भाई फ्रेंड्स ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये स्पेशली दुर्गा पूजा के लिए ही डेकोरेशन किया गया है, और ईद का टाइम होता है तो ईद वाला डेकोरेशन होता है, दुर्गा पूजा का टाइम होता है तो दुर्गा पूजा वाला डेकोरेशन होता है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं, आप ग्राउंड फ्लोर में जब जाओगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत सारे नेल आर्ट टैटू और ये भी बहुत सारी चीज़ें जो है उसको मिलेंगी ऑप्शन कराने के। एंड मैं यहाँ वेट कर रही हूँ अहमद साहब का, क्योंकि वो आएंगे तो फिर हम लोग सारे ना मिलकर इंशाल्लाह कुछ खाने के लिए चलेंगे और फिर आप लोगों के साथ वीडियो आगे शेयर करेंगे। अहमद के लिए मैंने एक शर्ट पसंद किया, देखो कि कौन सा, वो देखो वहाँ पे, मैं जूम करके अपने ऑडियंस को भी दिखाती हूँ। तो भाई फाइनली जूम हो गया, ये देखिए ये वाला शर्ट तपी, ये ब्लैक वाला कैसा लग रहा, क्या हुआ? ऋतिक रोशन का था ना, क्या मूवी का जो लास्ट सॉन्ग था
सितारों की महफिल में झूमेगा समथिंग कुछ। इतना पुराना हो गया फिल्म की अब याद भी नहीं है कोई भी। वही रोल करेंगे क्या? वी वेयर किड्स, जब ऋतिक रोशन का वो वाला फिल्म आया था कहूँ ना प्यार है। अहमद कभी नहीं पहनेंगे वो वाला टाइप का शर्ट, बड़ा अच्छा लग रहा है मगर नहीं। लेकिन वो हम लोगों के लिए सेकंड ऋतिक रोशन बन सकते, जो डांसर बॉयज होंगे उन लोगों को अच्छा लगेगा ऐसा। नॉट इन अहमद, अहमद जैसी शख्सियत पर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे अहमद भाई बड़े सिंपल एंड सोबर है अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए तो वो मेरे फेवरेट है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बॉस फाइनली काफ़ी देरी के बाद आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया हम लोगों ने बॉस का, इतना ज़्यादा लेट हाँ इतना। भाई फ्रेंड्स फाइनली काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद अहमद साहब आ गए हैं और अभी हम लोग चलते हैं और सबसे पहले कुछ खा लेते हैं। आइए, क्या बोल रही है, क्या कुछ आप? मैं बोल रही हूँ आपने एक कैसे हम फाइनली आए तो भला कर रहे हो, दुआ दे रही है भाई। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर आए जो कि न्यू मार्केट के अंदर ही मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा पुराना, काफ़ी ज़्यादा फेमस। और ये आप लोगों का कमेंट ही था जो हम लोगों को फिर से एक बार इस रेस्टोरेंट का याद दिला दिया था। यहाँ का फुल वीडियो हमारे चैनल पर इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड होगा। आज की वीडियो में आप लोग सिर्फ न्यू मार्केट का ही वीडियो इन्जॉय करो। फ्रेंड्स यहाँ से ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के बाद में हम लोग निकलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।